नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है और वो पूछा भी जाता है अक्सर औकात अर्निंग पर शेयर में। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है नंबर 3rd एंड दैट इज़ राइट इशू। ये आपने राइट शेयर्स के बारे में पढ़ा हुआ है F3 के अंदर। राइट शेयर्स क्या होते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं राइट शेयर। अब हम EPS के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे कि EPS के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट शेयर्स के बारे में क्या कहता है। राइट शेयर्स डज प्रोवाइड एडिशनल resources to the business, अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि कंपनी जब भी राइट शेयर इशू करती है तो बिजनेस के अंदर पैसे आते हैं, ठीक है। एडिशनल resources प्रोवाइड टू द बिजनेस से मुराद है कैश enters, कैश आता है बिजनेस के अंदर, पहली बात। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि राइट शेयर्स आर इशूड एट अ वैल्यू लेस देन इट्स मार्केट प्राइस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट होता है कि कंपनी जब भी नए शेयर्स इशू करेगी तो वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी कि आपने तो नहीं लेने, अगर आपने लेने हैं तो मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रही होगी उससे बकदरे कम प्राइस के ऊपर उन शेयर होल्डर्स को ये शेयर इशू की जाएगी, इनको राइट शेयर्स बोलते हैं। लेकिन याद ये रहे कि ये जो राइट शेयर्स होते हैं दे आर इशूड, राइट शेयर्स मैं इंपॉर्टेंट बात है यहाँ लिख रहा हूँ, आर इशूड अबव पार वैल्यू बट बिलो मार्केट वैल्यू, ठीक है। पार वैल्यू से ये ज़्यादा के बिकेंगे लेकिन मार्केट वैल्यू से कम के बिकेंगे। जैसे कि मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देने लगा हूँ। एज्यूम करते हैं मार्केट के अंदर आपके शेयर की प्राइस है, मार्केट वैल्यू है शेयर की $3 पर शेयर, ठीक है, और आपके शेयर की पार वैल्यू जो है वो है $1 पर शेयर। राइट शेयर आप इन बिटवीन $1 एंड $3 कर रहे होंगे। जैसे कि राइट शेयर की जो इशू प्राइस है, जिस प्राइस के ऊपर आप इशू कर रहे हैं वो है $2 ईच। अब इसमें देखने की बात यह है कि राइट शेयर मार्केट से कम वैल्यू के ऊपर इशू हो रहा है तो $2 का कैश तो बिजनेस में आ रहा है, प्लस $1 का कैश बिजनेस में नहीं आ रहा, वो $1 का बोनस दे रहा है किसको, शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि मार्केट में जो शेयर $3 का है मैं आपको $2 में दे रही हूँ, सॉरी और जो $1 रिसीव नहीं कर रही तो उसमें बोनस एलिमेंट शामिल है, ठीक है, यानी बोनस दे रही है। तो इससे फील यही आ रही है अगर आप गौर से देखें तो जो $2 कैश ले रही है तो इट मींस इट गिव्स अ फील लाइक इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हमें पता है। जब कंपनी के अंदर कैश आएगा शेयर इशू करने से तो हमने अर्निंग को टाइम अपोर्शन कर देना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। और ये जो $1 नहीं ले रहे ये बोनस एलिमेंट है, तो उस सूरत में आपको पता है कि हमने ट्रीटमेंट देखा है कि वो नीड टू अप्लाई द बोनस फ्रैक्शन, मेक सेंस। अच्छा, अब हम चलते हैं बेसिकली राइट इशू के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो राइट शेयर्स का है उसकी बेसिकली 4 स्टेप अप्रोच है। बजाय इसके कि मैं आपको वो थ्योरेटिकल पढ़ाऊँ, मैं वो जो राइट इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस एंड बोनस इशू की एग्जांपल है ना वो मैं उठाने लगाऊँ।
इसमें मैं थोड़ी सी एम्बेडमेंट करूँगा और इसी को लेके चलेंगे हम आगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल से सारा का सारा सॉल्व हो। मैं इसी को पिक करने लगा। अच्छा, वही सवाल मैंने उठा लिया, ऊपर से कॉपी किया, पेस्ट किया, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं जो मैं आपके साथ मेंशन कर दूंगा। अगर आप एग्जांपल पढ़ें दोबारा से, कहता है ऑन जतन कर 2023 ABC जो कंपनी है उसने 100,000 शेयर इशू ऑलरेडी मार्केट में हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी है मार्केट में। 1 अप्रैल को उसने मज़ीद 20,000 शेयर इशू कर दिए फुल मार्केट प्राइस के ऊपर। यहाँ से मैंने चीज़ चेंज की है, डेट वही है जो पहली वाली एग्जांपल में थी, ऑन 1 अक्टूबर 2023 इट इशूज 1 for 5 राइट शेयर्स। उसने 1 अक्टूबर को 5 शेयर के बदले में 1 राइट शेयर इशू किया एट $2 ईच। ये इशू प्राइस है कि हमने राइट शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितने का बेचा है, $2 ईच का। द मार्केट प्राइस बिफोर इशू वाज $3, यानी मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो प्रीवेल कर रही है $3। इसका मतलब $2 का कैश इंटर हुआ, $1 का हमने बोनस दे दिया, तो $3 के इक्वलेंट हम लोगों ने जो है वो शेयर बेचा है। अर्निंग फॉर द ईयर इज़ $35,000। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है $35,000 का। कहते हैं कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। EPS फॉर 31st December 2022 इज़ $0.21। एक बात आपने याद रखनी है कि जिस भी अर्निंग पर शेयर के सवाल में बोनस एलिमेंट होगा, जैसे कि राइट शेयर में भी तो बोनस एलिमेंट है, वहाँ पर पिछले साल की फिगर रीस्टेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये रीस्टेट हम करते क्यों हैं। देखें, फॉर एग्जांपल आप दो भाई थे और 1 करोड़ की जायदाद आप दोनों में तकसीम होनी थी। अब हुआ ये कि अगले साल एक भाई आपका और आ गया दुनिया में, अब वो 1 करोड़ की जायदाद जो है वो 3 भाइयों में तकसीम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो जो 2 में तकसीम होनी थी अब आप उसको रीस्टेट करेंगे कि अब उसको 3 में तकसीम होना है, इजेंट इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पर भाई 50-50 लाख आ रहा है, लेकिन अब अगर आपने कहीं लिख दिया 31 दिसंबर 2022 को कि पर भाई 50-50 लाख आ रहा है, 2 भाई हैं हम, 31 दिसंबर 2023 को एक भाई और आ गया, तो आप इस बात की तरदीद करेंगे कि जो पिछले साल हमने 50-50 लाख लिखा था 2 भाइयों में तकसीम होगा 1 करोड़ का, अब तीसरा भाई भी आ गया है, लिहाजा ये 33-33 लाख हम तमाम भाइयों में तकसीम होगा 3 भाइयों में। तो इसकी रीज़न है कि आप कंपैरेटिव फिगर्स को रीस्टेट करते हो, मेक सेंस। अब मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाने लगा और आपने गौर से देखना है कि इसी सवाल से मैं इसके सोल्यूशंस जो है वो बनाऊँगा। अच्छा, आपने याद ये रखना है कि जब भी आपने राइट शेयर्स की EPS निकालनी है तो देर इज़ अ 4-step approach। स्टेप नंबर वन दैट इज़ थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। पहला स्टेप क्या है, थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब ये आपने कैसे निकालने इसको और से देखिएगा, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी समझाऊंगा। देखें, ऑलरेडी जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको 1 शेयर दिया जाएगा ना, और वो जो ऑलरेडी 5 शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, $3। तो आपने करना ये है कि ऑलरेडी 5 शेयर्स इंटू मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर बिफोर इशू दैट इज $3। 5 threes are $15। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे 1 राइट शेयर कि आप 5 शेयर्स के बदले में कितने राइट शेयर इशू कर रहे हैं 1, और राइट शेयर कितने का इशू कर रहे हैं उसकी इशू प्राइस $2। 1 twos are $2, ये आ गया। अब आपने नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल करना है और जो टोटल शेयर्स की प्राइस बनती है ईच उसका टोटल कर लेना है। 5 उसके पास शेयर होंगे, 1 शेयर मज़ीद दिया जाएगा, तो उसके पास शेयर्स कितने हो जाएंगे, टोटल 6 शेयर्स, और टोटल 6 शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5 शेयर्स की मार्केट वैल्यू $15 है, 1 शेयर की वैल्यू $2 होगी राइट शेयर की, तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी आपकी $17। अब आपने इन 6 शेयर्स की एवरेज प्राइस निकाल लेनी। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगी, ये जो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है इसको टर्प बोलते हैं। ये निकालने का तरीका ये है कि टोटल जो अमाउंट यहाँ पर आपकी निकली है 15 प्लस 2
17 इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे जो उसके पास प्रिवेल करेंगे आफ्टर गेटिंग वन शेयर राइट शेयर। तो अगर मैं 17 को 6 से डिवाइड कर दूं, 17 डिवाइडेड बाय 6 तो पर शेयर उसकी एवरेज प्राइस बनती है $2.833। ठीक है, यानी उसके 6 शेयर्स की एवरेज प्राइस बनती है $2.833। ये था स्टेप नंबर 1। मेक सेंस, दिस इज स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर। टोटल 4 स्टेप्स हैं, बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आपने स्टेप याद किए तो आपके पूरे नंबर। स्टेप नंबर 2 है, वो है बोनस फ्रैक्शन। अच्छा, आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर जो राइट शेयर में बोनस फ्रैक्शन होगा वो किसी और तरीके से निकल रहा होगा। वो तरीका क्या होगा वो आपने फार्मूला याद रखना है। जो बोनस फ्रैक्शन है वो निकलेगा, बोनस फ्रैक्शन इज इक्वल टू मार्केट प्राइस बिफोर इशू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस TERP। अब बोनस फ्रैक्शन क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस बिफोर इशू $3 थी और आपका जो TERP है वो कितना निकला है $2.83। ठीक है, ये बोनस फ्रैक्शन है। आप इसको बेशक सॉल्व ना करें, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है कि देर इज समथिंग ऑन न्यूमिरेटर एंड देर इज समथिंग ऑन डिनोमिनेटर। मेक सेंस। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3। फिर मैं रिपीट कर दूं कि राइट शेयर्स में बोनस फ्रैक्शन किसी और तरीके से निकलेगा, स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 है इसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकालने हैं, उसी तरह जिस तरह हम पहले निकालते रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि मैं कॉलम्स बना लेता हूं, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। इसका वैंस उसी तरह निकलेगा जिस तरह इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस एंड बोनस शेयर्स था, क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस भी है $2, मतलब कि $3 से कम वैल्यू के ऊपर इशू ऑफ शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, वो एलिमेंट भी शामिल है और बोनस एलिमेंट भी शामिल है, तो कॉलम बिल्कुल वही बन जाएंगे। मैं आपके सामने कॉलम्स बना के डिस्कस करता हूँ। चलें, जैसे आपने देखा मैंने कॉलम्स बना लिए आपके सामने। डेट का पहला कॉलम है, शेयर्स का है, टाइम फ्रैक्शन का है, बोनस फ्रैक्शन का है, वैंस का है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि बोनस फ्रैक्शन उस वक्त तक अप्लाई होता रहेगा अनटिल बोनस शेयर्स आर इशूड। अब आप कहेंगे कि सर बोनस शेयर्स तो इशू नहीं हो रहे, राइट शेयर इशू हो रहे हैं, तो एक ही बात है ना बेटा, राइट शेयर में बोनस एलिमेंट भी तो शामिल है ना, तो जब तक राइट शेयर इशू नहीं हो जाते उस वक्त तक बोनस फ्रैक्शन अप्लाई करते रहना है, एंड वंस राइट शेयर्स आर इशूड बोनस फ्रैक्शन अप्लाई करना बंद कर देना है। मेक सेंस। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अब सवाल के ऊपर आते हैं, कहता है 1 जनवरी को शेयर्स ऑलरेडी मार्केट में थे 1 लाख और 1 अप्रैल को अगला इवेंट हुआ है 20,000 शेयर्स एट अ फुल मार्केट प्राइस। तो हम ऐसा करते हैं, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक हमारे पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे, टाइम फ्रैक्शन बनता है 3/12, बोनस फ्रैक्शन हमने निकाला हुआ है 3/2.83। इसको सॉल्व करते हैं, 1 लाख इंटू 3/12 इंटू 3/2.83, तो ये बनते हैं टोटल शेयर्स 26,502 बनते हैं, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शेयर्स पॉइंट्स में तो नहीं जा सकते ना, एक पीस ऑफ पेपर आप आधा फाड़ के तो नहीं दे सकते कि यार ये आपके 25,501.7667। देखें, आप एक नोट जो है करेंसी का, अगर आपने किसी को 3.5 रुपये देने हैं तो आप 3 के सिक्के पकड़ाएं और 1 रुपये का जो सिक्का है उसको आधा तोड़ के दे दें, ऐसा तो नहीं होता ना। इसी तरह नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो पॉइंट्स में नहीं जा सकते। मैं इसको राउंड कर लेता हूँ। ठीक है, इंसिडेंट हुआ है 1 अप्रैल को और उसके बाद इंसिडेंट हुआ है 1 अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 1 लाख तो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे थे, 20,000 और इशू कर दिए तो 1,20,000,
टाइम फ्रैक्शन बनता है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6/12। बोनस फ्रैक्शन बनता है 3/2.83। इसको सॉल्व करते हैं, 120,000 इंटू 6/12 इंटू 3/2.83, तो ये बनते हैं 63,604। मैं इसको राउंड कर लेता हूँ 63,600। ठीक है, अब देखें, अब वो राइट शेयर इशू कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको एक राइट शेयर इशू कर रहा है 5 शेयर्स के बदले। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितने हैं, 120,000, जिसके पास 5 शेयर हैं उसको एक शेयर दे रहा है। तो 120,000/5, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 शेयर, तो 24,000 वो राइट शेयर इशू कर रहा है। ये राइट शेयर इशू की वर्किंग है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक, एक 20 तो ऑलरेडी थे, मज़ीद 24 ऐड हो गए, तो कितना हो गया, 144,000 शेयर्स। टाइम फ्रैक्शन बनता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12। और मैंने कहा था कि बोनस एलिमेंट जैसे ही शामिल हो जाएगा आपने बोनस फ्रैक्शन अप्लाई करना बंद कर देना। तो 144,000, 144,000, ओके 144,000 इंटू 3/12 इट इज 36,000। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ इस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का टोटल। तो 26,500 जमा 63,600 जमा 36,000, तो ये हो गया 126,100 आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो तीसरा स्टेप क्या था, वेंस का, वो निकल आया। चौथा स्टेप, आखिरी स्टेप है आपका जी, स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 है आपका कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर। आखिरी स्टेप में हम अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे, और अर्निंग पर शेयर का फार्मूला आपको पता है, EPS इज इक्वल टू अर्निंग डिवाइडेड बाय वैंस। अर्निंग आपको दी हुई है सवाल के अंदर, एंड योर अर्निंग इज $35,000। अर्निंग जो हैं वो $35,000 हैं, इसको वैंस से डिवाइड करते हैं 126,100। तो 35,000/126,100, तो ये अर्निंग पर शेयर बनती है $0.2775। और अगर आपसे कहा जाए कि इसको सेंट में निकालें, तो इसी को आप 100 सेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 27.75 सेंट्स पर शेयर। ठीक है, ये अर्निंग पर शेयर। अब चूँकि बोनस एलिमेंट था इसमें, तो कंपैरेटिव फिगर्स को रीस्टेट करना होता है अगर पिछले साल की फिगर दी हुई हो। रीस्टेटेड वो कैसे करेंगे, वो बिल्कुल वही तरीका है, पिछले साल की अर्निंग पर शेयर आपको दी हुई है, दैट इज़ लेट मी, पिछले साल की अर्निंग पर शेयर आपको दी हुई है 0.21 मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन, क्योंकि कंपैरेटिव फिगर रीस्टेट होती हैं बाय मल्टीप्लाइंग इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। बोनस फ्रैक्शन कितना निकला था हमारा, 3/2.833, इसको होल्ड कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर में लेके चले जाएं, और न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर में लेके चले जाएं, तो 0.21 इंटू 2.83/3। वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने कहा कि 1 करोड़ की जायदाद 2 भाइयों में तकसीम हो रही थी 50-50 लाख,
अब तीसरा भाई आ गया है तो ऑटोमेटिकली वो जो आपकी अर्निंग थी 50-50 लाख वो कम हो जाएगी ना। तो जब भी कंपैरेटिव फिगर रीस्टेट करेंगे तो एक्चुअल ईपीएस से वो कम आ रही होगी, जैसे कि आपने देखा पहले 0.21 थी अब 0.1981 हो गई। मेक सेंस? चलें, ये आपका कंप्लीट हो चुका है अर्निंग पर शेयर का। इसके बाद अर्निंग पर शेयर के अंदर ही एक और टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर।